शिमला के रेस मैदान पर एक बार फिर से खुशी मस्ती और लोगों की आवाजों के बीच बच्चे घोड़ों पर घुड़सवारी करते हुए दिख रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अब फिर से रेस मैदान पर लोग आने लगे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन लगने से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन और मौज मस्ती सब बंद हो गई थी। अब करीब 100 दिनों के बाद फिर से शिमला के रेस मैदान पर थोड़ी मस्ती करते और अपने बच्चों को घोड़े पर सैर करवाते लोग दिख रहे हैं। लॉकडाउन के बीच जहां पर्यटकों के आने की रोक लगने से होटल और अन्य पर्यटन स्थलों पर काम करने वाले लोगों के सामने बेरोजगारी आ गई थी, उसी तरह से रिज पर घोड़ों पर लोगों को सैर करवाने वाले लोगों को विकट परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करना पड़ा। रिज पर घोड़ों पर सैर करवाने वालों के चेहरों पर आज खुशी देखी गई है। 100 दिनों के ज्यादा समय से वे बेरोजगार हो गए थे, किसी तरह से काम चलाकर परिवार और अपने घोड़ों की जान बचाई। घोड़े वालों ने बताया कि गुरमीत सिंह ने परिवार के लिए राशन और घोड़ों के लिए चारा की व्यवस्था की, जिससे जीवन बसर किया। आपको बता दें कि नोफल एंड चैरिटेबल वेलफेयर एसोसिएशन के गुरमीत सिंह की ओर से घोड़े वालों को राशन और चारा उपलब्ध करवाया गया। गुरमीत सिंह ने कहा कि उनकी एनजीओ पीजीआई चंडीगढ़ और शिमला के अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए लंगर की व्यवस्था करती है। लॉकडाउन के बीच कई घोड़े वाले उनके पास आए और अपना खर्च चलाने में असमर्थ बताया तो एनजीओ की ओर से इनके लिए 3 महीने तक राशन और इनके घोड़ों के लिए चारा की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि एनजीओ की ओर से 1 महीने करीब 1,00,000 रुपए घोड़े वालों के लिए राशन और चारा लाने में खर्च किए जाते रहे। जो भी कोई हमारे पास जरूरतमंद आता है उन सबकी मदद करते हैं। हमारे पास ये भी आए थे, इन्होंने बताया अपना कि इनके पास घोड़ों के लिए राशन नहीं है, खुद के घर के लिए राशन नहीं है। मैं इनके घर गया, देखा वाकई में जो इन्होंने बोला सस्ता, उसके बाद से लेके अब तक हमने इनका पूरा खर्चा उठाया। बहुत परेशानियाँ हैं, हम तो चलो जानवर वाले थे, हमारे को तो ज़्यादा ही परेशानियाँ हुई क्योंकि घोड़े भी साथ में थे, फैमिली भी साथ में थी। हाँ जी, बीच में हमारे घोड़े भी मर गए, एक्सपायर हो गए। हाँ जी, लॉकडाउन की वजह से चलने ना चलने से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।